अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, हिस्ट्री ऑफ यूएसए की आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये अमेरिकी सदारती इंतखाबात हम डिस्कस करेंगे। इसके आनी बुनियाद क्या है देखेंगे हम, और देन हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज का निज़ाम क्या है, प्राइमरी इलेक्शंस, और इसके अलावा कॉक्स में क्या फ़र्क है। इंतखाबी मुहिम में मीडिया के किरदार को भी डिस्कस करेंगे। अमेरिकी सदारती इंतखाब के अहम मराहिल कौन से हैं, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का आलमी सियासत के ऊपर क्या असर है, और अमरीकी सदारती इंतखाबी निज़ाम के चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे कि अमरीकी सदारती इंतखाबी निज़ाम के अहम चैलेंजेस क्या हैं। सो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस इज़ अ कम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्टिव कम्बाइनिंग फेडरलिज्म, पोलिटिकल पार्टी डायनमिक्स एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अमरीका में जो सदारती इंतखाबात हैं, इनका जो अमल है, प्रोसेस है, वो मुनफरद है और पेचीदा है, जो वफाकियत सियासी पार्टी के स्ट्रक्चर ढांचे और जमहूरी असूलों का एक इम्तजाज है। ठीक है, यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है क्योंकि ये अमरीकी सियासी निज़ाम की अक्कासी भी करता है, और इसके अलावा बैन अक्वामी ताल्लुकात और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी के अहम जो है एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फाउंडेशन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस, ये अमरीकी सदारती इंतखाबी अमल की बुनियादें क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आईनी बुनियाद को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को। सो अमरीकी जो सदारती इंतखाबी अमल है, उसका इनसार जो है वो यानी कि आइन के ऊपर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। सो खासतौर पर जो आर्टिकल 2 है, जो एग्जीक्यूटिव शाह को बयान करता है, और उसके बाद जो है 12वीं और 22वीं तरामीम के ऊपर सदर का इंतखाब जो है वो हर 4 साल बाद किया जाता है, और इसके अलावा जो फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन का यानी कि निज़ाम है, तो सदर जो है 2 बार उदा संभाल सकता है, 22वीं तरमीम कहता है। और बाकी जो जमहूरी निज़ामों के बरक्स अमरीकी इंतखाबी अमल है, वो गैर मरकजी है, और हर रियासत का इंतखाबी अमल जो है वो अपने कवानीन के तहत होता है, ठीक है। सो ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लॉज गवर्निंग द इलेक्शन प्रोसेस, ऑल्दो फेडरल स्टैंडर्ड्स अप्लाई, यानी हर रियासत का इंतखाबी अमल अपने कवानीन के तहत होता है, और बाद वफाकी मियारत का भी इतलाक होता है। उसके बाद है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज का निज़ाम, इसका तारीख, इसकी तारीख क्या है, इसके मकासद क्या है, इसका मकसद क्या है। सो इलेक्टोरल कॉलेज का जो क्याम है, ये इसलिए अमल में आया था कि कांग्रेस के जरिए इंतखाब और बरास्त अवामी वोटिंग के दरमियान बैलेंस को जो है वो बरकरार रखा जा सके, ठीक है, और छोटी और बड़ी रियासतों के जो असर रसूख है उसमें भी एक बैलेंस को बरकरार रखा जा सके। देन हम डिस्कस करते हैं हाउ इट वर्क्स, कि ये कैसे काम करता है। सो इसका तरीका कार क्या है, तो कुल जो 538 यानी इलेक्टर्स होते हैं जो हर रियासत की कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं, ऐवान और सेनेट के इसके अंदर अराकीन होते हैं, और इसमें जो 270 अक्सरियत हासिल करना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर रियासतों में विनर टेक ऑल जो है का असूल अपनाया जाता है, जबकि मेन और जो नेब्रास्का है उसमें नस्बती निज़ाम है। तो उसके बाद है कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म, तो तनकीद भी की जाती है और इख्तलाफात भी होते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर एनेबलिंग कैंडिडेट टू विन द प्रेसिडेंसी विदाउट विनिंग द पॉपुलर वोट। सो एज सीन इन 2000 एंड 2016 इलेक्शंस, देयर आर ऑनगोइंग डिबेट्स अबाउट पोटेंशियल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट पॉपुलर इलेक्शंस। सो इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर तनकीद की जाती है कि ये बाज़ औक़ात किसी उम्मीदवार को ज्यादा अवामी वोट हासिल ना होने के बावजूद सदर बनने का मौका फराहम करता है, ठीक है, जैसा कि 2000 और 2016 के इंतखाबात में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी इलेक्शंस और कॉक्स को। तो प्राइमरी और कॉक्स में क्या फ़र्क है, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स की जो नामजदगी है वो रियासती सतह के ऊपर प्राइमरी इलेक्शन या फिर पार्टी कॉक्स के जरिए होती है। तो प्राइमरी में वोटर्स जो हैं वो बर रास्त वोट देते हैं, जबकि कॉक्स में पार्टी के अरकान एक दूसरे से मुलाकात करके जो है वो कैंडिडेट्स को चुनते हैं। उसके बाद डेलीगेट्स एंड नेशनल जो है वो कन्वेंशन, डेलीगेट्स और नेशनल कन्वेंशन। तो प्राइमरी और कॉक्स के नतज की बुनियाद के ऊपर कैंडिडेट्स को डेलीगेट्स जो है वो तफवीज़ किए जाते हैं, और ये जो डेलीगेट्स होते हैं ये नेशनल कन्वेंशन में शरीक होते हैं, जहां पार्टी की जानब से सदर और नायब सदर के उम्मीदवार को बाजाब्ता तौर पर नामजद किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सुपर डेलीगेट्स का। तो जो सुपर डेलीगेट्स का क्या किरदार होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी में बाज़ गैर वाबस्ता डेलीगेट्स या फिर सुपर डेलीगेट्स होते हैं, इंक्लूड पार्टी लीडर्स एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स हु हैव सम इन्फ्लुएंस इन डिसाइडिंग द नॉमिनी। तो इसके अंदर जो पार्टी के लीडरान और मुंतखब अहदेदार दौरान होते हैं सुपर डेलीगेट,
और जो कैंडिडेट्स के इंतखाब के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कंपेनिंग एंड द रोल ऑफ द मीडिया, इंतखाबी मुहिम और मीडिया का किरदार। तो प्रेसिडेंशियल कंपेन्स में के अंदर मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई जाती है, ठीक है, जिनके अंदर पैगाम रसानी है और इसके अलावा यानी मैसेजिंग होती है, वोटर से राबता होता है, डिस्कशंस होती हैं और इसके अलावा कंपेन्स के इवेंट्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं, इंतखाबी नक्शे और इसके अलावा स्विंग स्टेट्स जैसे कि फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया वुमन, इन हुकूमती अमलियों के ऊपर जो है जो इनकी हुकूमती अमलियाँ होती हैं उनके ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। रोल ऑफ द मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या किरदार होता है। मीडिया खासतौर पर टीवी और सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में वोटर्स को मालूमात देने के लिए, उनको कायल करने के लिए और मुतहरिक करने में अहम किरदार अदा करता है। सो डिजिटल कंपेनिंग थ्रू सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स एंड टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हैज बिकम क्रूशियल फॉर मॉडर्न इलेक्शंस, ठीक है। तो डिजिटल जो कंपेन्स हैं उनके अंदर जो सोशल मीडिया है या डेटा एनालिटिक्स है, टारगेटेड जो है वो एडवर्टाइजिंग है, तो ये इसके अंदर अहम हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। उसके बाद है फंडिंग एंड पीएससी, तो इंतखाबी मुहिम के लिए जो फंड्स हैं वो निजी एहतियात हैं, सियासी एक्शन जो कमेटी हैं और इसके अलावा सुपर पीएससी से आते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो रकम इकट्ठा करने और फिर खर्च भी कर सकते हैं, मगर जो है वो डायरेक्ट जो कैंडिडेट से रब्ता करने की इजाज़त नहीं रखते। नेक्स्ट हम देखते हैं की स्टेजेस इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, के अमरीकी सदारती इंतखाब के अहम मराहिल कौन से हैं। अनाउंसमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, सो इसके अंदर क्या होता है, उम्मीदवारी का ऐलान किया जाता है कि कैंडिडेट्स अपने जो है वो इरादे का ऐलान करते हैं अमूमन सालों पहले या फिर अपने कंपेन्स के जरिए अपने मुहिम टीमें जो है वो तश्कील देते हैं, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर प्राइमरीज और कोक्स जनवरी तो से जून तक होते हैं, रियासतें प्राइमरी इलेक्शन और कोक्स मुनक़द करती हैं ताकि कैंडिडेट्स को डेलीगेट्स तफरीज किए जा सके। उसके बाद फिर नेशनल कन्वेंशन है जो कि पार्टी जो हैं वो पार्टियां जो हैं वो नेशनल कन्वेंशन मुनाकिद करती हैं ताकि बाज़ाब्ता तौर पर सदारती और नायब सदारती उम्मीदवारों को नामजद किया जा सके। जनरल इलेक्शन कंपेन, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पूरे मुल्क में जो है वो मुहिम चलाते हैं, डिस्कशन के अंदर हिस्सा लेते हैं, गैर जानबदार और आज़ाद वोटर्स को अपनी तरफ जो है वो मायल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है वो इंतखाबी दिन आता है नवंबर के यानी के पहले मंगल, तो शहरी जो इलेक्टर्स हैं उनके लिए ये इलेक्टर्स के लिए वोट देते हैं जो मखसूस सदारती उम्मीदवारों की हमायत का अहद भी करते हैं। देन इलेक्टोरल कॉलेज वोट दिसंबर में होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग होती है, इलेक्टर्स बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो वोट डालते हैं और जिन्हें कांग्रेस जनवरी में गिनती करके फातह का ऐलान कर देती है। इनाग्रेशन 20 जनवरी, तकरीब हलफ बर्दारी होती है और सो नौ मुंतखब सदर जो है वो अहदे का हलफ उठाता है और बाज़ाब्ता तौर पर इसको अहदे को संभालता है। तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, आलमी सियासत के ऊपर अमरीकी सदारती इंतखाबात का क्या असर होता है और उसकी क्या अहमियत है। तो खारजा पॉलिसी के ऊपर इसके असरात होते हैं, यानी कि अमरीकी इंतखाबात को बैन अक्वामी सतह के ऊपर गहरी नज़र से देखा जाता है क्योंकि सदर की आलमी मसाइल के ऊपर अहम जो फैसला साजी है तो ये उसको एक अहम फैसला साजी की वो ताकत रखता है, जैसे कि तजारत है या सलामती इतिहाद है, नेटो और मालियाती पॉलिसियाँ हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी, बैन अक्वामी ताल्लुकात और सफारतकारी। सो इलेक्शन रिजल्ट्स कैन शिफ्ट द यूएस अप्रोच टू की ग्लोबल प्लेयर्स लाइक चाइना, रशिया एंड ईयू, सो एज वेल एज इट्स स्टांस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएनए, डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यूटीओ। तो बैन अक्वामी ताल्लुकात और सफारतकारी इसमें होती है कि इंतखाबात के नतीजे से अमरीका का रवैया जो है वो बड़े यानी के प्लेयर्स जिस तरह से चाइना, रूस और यूरोपीय यूनियन उनके साथ तब्दील हो सकता है और फिर आलमी इक्तसादी यानी कि इसके अंदर इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, तो इसके अंदर जो है अमरीकी इक्तसादी पॉलिसियाँ जिनमें तजारती टैरिफ बंदियाँ और आलमी मालियाती जवाबित इसके अंदर शामिल होते हैं, अक्सर सदर के एजेंडे जो है वो एजेंडे के ऊपर ये मुनहसर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, तो पोलराइजेशन और पार्टीशन डिवीजन होती है, बढ़ती हुई जो सियासी पोलराइजेशन होती है खासतौर पर सोशल मीडिया और इसके अलावा इको चैम्बर्स के जरिए, तो इको चैम्बर्स की वजह से इको चैम्बर्स जो हैं उनकी वजह से पार्टियों के दरमियान तनाव में टेंशन में इजाफा होता है। सो वोटर्स जो है वो सेपरेशन के खदशात, कुछ रियासतों में सख्त वोटिंग के जो कवानीन हैं
उनके ऊपर तनकीद की जाती है, तो इस तरह के वोटिंग कवानीन को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जो अकलियतों को, बुजुर्गों को और कम आमदनी वाले वोटर्स के ऊपर मनफी असर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज रिफॉर्म डिफरेंस। तो इलेक्टोरल कॉलेज निज़ाम के ऊपर जो है वो अनप्रेजेंटेटिव यानी कि अनप्रेजेंटेटिव रिजल्ट्स, गैर नुमाइंदा नतज पैदा करने की वजह से तनकीद की जाती है, जिसकी वजह से बहरास्त अवामी वोटिंग जैसे मुमकिन असलाहत के ऊपर जो है वो बहस जारी है, डिबेट्स जारी हैं। कंपेन्स फाइनेंस इन्फ्लुएंस ऑफ द वेल्थ। तो उसके बाद इंतखाबी फंडिंग और दौलत का उसके ऊपर असर होता है कि जो सुपर पीएससी है उसके अरूज के साथ जो यानी कि दौलतमंद अफराद हैं और कॉरपोरेशन हैं उनके कैंडिडेट्स और पॉलिसियों के ऊपर असरअंदाज होने का खदशा बढ़ गया है। तो हम इसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स देखते हैं कि अमरीकी इंतखाबी निज़ाम जिसके अंदर वफाकी ढांचा है, इलेक्टोरल कॉलेज शामिल होता है, पार्लिमानी निज़ाम जैसा कि बरतानिया और भारत के साथ एक बेहतर मुवजना फराहम करता है, डेमोक्रेटिक जो है रेजिलियंस एंड रिफॉर्म क्या है, अमरीकी इंतखाबी निज़ाम का जो मुताला है वो जमहूरी इस्तेहकाम के साथ साथ यानी असलाहत की ज़रूरत और चेक एंड बैलेंस के किरदार के ऊपर भी जो है वो ये रोशनी डालता है। और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस इम्प्लीकेशन हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस इम्प्लीकेशन हैं यानी अंडरस्टैंडिंग यूएस इलेक्शंस हेल्प एस्पायरेंट्स अप्रिशिएट हाउ फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज शिफ्ट विद ईच एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्टिंग पाकिस्तान यूएस रिलेशंस इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड रीजनल सिक्योरिटी। सो एस्पायरेंट्स को जो है अमरीकी इंतखाबात को समझने से यानी कि ये जानने में मदद मिल सकती है कि हर इंतजामिया के साथ खारजा पॉलिसी की तरजीहत कैसे तब्दील होती हैं, जिस तरह से पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और इक्तिसादी शराकत दारी और इलाकाई सलामती के ऊपर भी असर पड़ता है। तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम इज अ यूनिक एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस रिफ्लेक्टिंग अ ब्लेंड ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियल्स फेडरलिज्म एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। तो इट प्लेज अ वाइटल रोल नॉट ओनली इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बट ऑल्सो इन शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो अमरीकी सदारती इंतखाबी निज़ाम जो है एक मुनफरद और एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो जमहूरी असूलों वफाकियत और सियासी हिकमत अमली का एक जो है ब्लेंडिंग है, एक इम्तज़ाज पेश करता है। तो यह ना सिर्फ अमरीका के डायरेक्शन को तयन करने में अहम किरदार अदा करता है बल्कि आलमी सियासत को भी तश्कील देता है। तो इस तरह से एस्पायरेंट्स समझ कर इस अमल को समझ कर फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि जमहूरी हुकूमत के स्ट्रक्चर को उसकी जो यानी पावर है और चैलेंजेस हैं उनके बारे में ये बसीरत फराहम करता है और साथ ही जो आलमी अमूर हैं उनमें इंतखाबी निज़ाम की अहमियत को भी हाईलाइट करता है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि हमने जो है इस टॉपिक के रिलेटेड कौन से हम पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के आइनी बुनियाद को हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का आइनी बुनियाद क्या है। तो हमने डिस्कस किया कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का आइनी बुनियाद आर्टिकल 12 जो है और 11वीं और 22वीं तरमीम के ऊपर है जो एग्जीक्यूटिव शाह को सदर की मदद का तयन करता है। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज का निज़ाम हमने डिस्कस किया कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो 538 इलेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जिन्हें रियासतों की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया जाता है और सदर मुंतखब करने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट उसको दरकार होते हैं। प्राइमरी इलेक्शंस और कॉक्स में फ़र्क डिस्कस किया कि प्राइमरी इलेक्शंस और कॉक्स में क्या फ़र्क है। तो प्राइमरी इलेक्शंस में वोटर्स बरहरास जो है वो कैंडिडेट्स को वोट देते हैं जबकि कॉक्स में पार्टी के अरकान मुलाकात करके कैंडिडेट्स का इंतखाब करते हैं। दैन हमने इंतखाबी मुहिम में मीडिया का किरदार डिस्कस किया कि मीडिया क्या किरदार अदा करता है। तो इंतखाबी मुहिम में मीडिया का किरदार भी अहम होता है। मीडिया खासतौर पर सोशल मीडिया इंतखाबी कंपेन्स के अंदर मुहिमात के अंदर मालूम को पहुँचाता है, उसकी तरसील करता है, वोटर्स को मुतहरिक करता है और इसके अलावा कैंडिडेट्स की पहचान में भी अहम किरदार अदा करता है। अमरीकी सदारती इंतखाब के अहम मराइल हमने इसके बाद डिस्कस किए कि अहम मराइल कौन से हैं। तो अहम मराइल के अंदर जो है वो कैंडिडेट्स का ऐलान है, प्राइमरी और कॉक्स नेशनल कन्वेंशन है, इंतखाबी मुहिम है, इंतखाबी दिन है, उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग और तकरीब हलफबरदारी इसके अंदर शामिल है। अमरीकी सदारती इंतखाबात का आलमी सियासत के ऊपर असर क्या है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के जो नतज हैं आलमी ताल्लुकात, तजारत और सलामती के ऊपर वो गहरा असर डालते हैं क्योंकि हर सदर की खारजा पॉलिसी के इंतखाबात के असरात जो हैं वो वसी होते हैं और मुख्तलिफ भी होते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबी निज़ाम के चैलेंजेस हमने डिस्कस किए कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो अमरीकी सदारती इंतखाबी निज़ाम के चैलेंजेस हैं जिस तरह से सियासी पोलराइजेशन है और वोटर सप्रेशन और इलेक्टोरल कॉलेज की असलाहत की ज़रूरत, इंतखाबी जो है वो फंडिंग के मसाइल इसके अंदर शामिल हैं। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। If you like our video, then like, share and subscribe to our channel.